मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और उनके ड्राइवर सारथी के रूप में दिखाई दिए। आपको बता दें कि योगी सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में मुजफ्फरनगर के दो नेताओं को शामिल किया। विधायक कपिल देव अग्रवाल और विजय कश्यप को मंत्रिमंडल में शामिल कर मंत्री पद दिया गया। बागपत में महिला से छेड़छाड़, जन्माष्टमी की झांकी देखकर लौट रही महिला। विरोध करने पर दबंगों ने महिला के पति को पीटा, पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बागपत के निरोजपुर रोड पर देर रात का मामला। उधर मेरठ पुलिस का नया कारनामा निकलकर सामने आया है। होमगार्ड के जवान ने स्कूटी सवार को पीटा, युवक ने भी पुलिस कर्मी की पिटाई की है। उगाही को लेकर बीच सड़क पर होमगार्ड के बरसाए जूते। कानपुर देहात में जय कन्हैया लाल की जयकारों के साथ भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाया गया। रसूलाबाद में धर्मगढ़ बाबा मंदिर परिसर में इंस्पेक्टर ने शिवलिंग के साथ कृष्ण जी का वेद मंत्रोच्चारण के साथ श्रद्धा सुमन के साथ पूजन अर्चन किया। बड़ौत में पुलिस से परेशान होकर ई रिक्शा चालकों को रोड जाम कर उन्होंने जोरदार हंगामा किया है। इंस्पेक्टर आर के सिंह पर बिना परेशानी सुने भगाने का आरोप लगा है। केस दर्ज कर मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। रामपुर में योगी के मंत्री बलदेव औलख के साले पर महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंग युवक ने महिला के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी मारपीट के बाद मौके से फरार हो गया। वही महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर मामले की जानकारी ली है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर में जन्माष्टमी के पावन पर्व पर मंदिर प्रांगण में शरारती युवकों में मारपीट देखने को मिली। पुलिस की सुरक्षा के बावजूद शरारती युवक आपस में भिड़ गए। थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के काली नदी घाट के आत्मबोध मंदिर का मामला है। फिरोजाबाद में कुंवर बहादुर की ठार, ग्राम गोदाऊ में 5 दिन पहले हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक शख्स को गिरफ्तार किया। हत्या का आरोपी कोई और नहीं बल्कि उसका पति ही निकला। आरोपी ने अपनी पत्नी का गला रेतकर इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस पूछताछ में आरोपी पति ने वारदात को कबूल किया। बुलंदशहर कोतवाली देहात के गांव भाईपुरा में बच्चा चोरों की अफवाह ने एक शख्स की जान ले ली है। दरअसल गांव के लोग जंगलों में बच्चे चोरों की तलाश में निकले। इस दौरान एक शख्स की बाइक गड्ढे में जा गिरी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा में स्थानीय लोगों ने एक महिला बच्चा चोर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी महिला 2 बच्चों को बिस्किट खिलाने के बहाने लेकर जा रही थी। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया। ग्रेटर नोएडा बीटा 2 थाना क्षेत्र का मामला। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।